स्वागत है आपका कमेंटली चैलेंज के नए एपिसोड में। और आज हम आपको कुछ ऐसे मूवी सीरीज दिखाने वाले जिसको देख के आप अपने आप को बम से उड़ा लोगे। इन सीन्स में सबसे खतरनाक जो मुझे लगा वो है इनकी लड़ाइयां, और लड़ाइयां भी ऐसी खतरनाक कि समझ ही नहीं आता कि लड़ रहे हैं या डांडिया खेल रहे हैं। ऐसी हुई कि दो बंदे एक दूसरे को 1.5 साल तक लाते ही मारते रहे। फिर इतनी लाते देख के तो मेरे दिमाग का चोकोलाटे हो गया, पर तभी लड़ाई के बीच में पेनल्टी शूटआउट शुरू हो जाता है। Hitting a long one and it's gone in. और मैं आपको बता दूं, इन लोगों को फुटबॉल से कुछ ज्यादा ही प्यार है। बहुत दिनों तक तेरे भाई और पति ने मुझे फुटबॉल समझ कर हवा में उछाला, आज मैं तेरे साथ फुटबॉल खेलूंगा। तो सिर्फ कहने की बात है। फुटबॉल साला चमगादड़ सच में ले आया। Brilliant goal! Amazing! यार पेट में फुटबॉल मार के कौन टॉर्चर करता है, ये क्या सोच के सीन बनाया डायरेक्टर ने? सर वो जो लड़की को हम लेके आए उसे टॉर्चर कैसे करना है, क्या ऑप्शन है? सर जला सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, आंखें निकाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम लड़की को टांगो और उसके ना पेट पे फुटबॉल मारना शुरू कर। सर क्या? अरे इससे पब्लिक को मैसेज जाएगा ना। फुटबॉल मारने से कौन सा मैसेज जाएगा? कैसे पेट पे फुटबॉल मार मार के उसको प्रोत्साहित कर रहा है लड़की को, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे वो भी खेलने में। चलो ठीक है। अरे तुम्हारा तो वैसे ही छोटा दिमाग है, तुमने सुना नहीं क्या प्रधानमंत्री की नई योजना का, वो बेटी बचाओ भगाओ फुटबॉल मारो, तुम्हें पता नहीं चलता है तुम्हें। और मैं आपको बता दूं, ये लोग हमारे सबर का गलत फायदा उठा रहे हैं। पहले मूवीज में लोग उड़ते थे, फिर बाइकें उड़नी शुरू हुई, उसके बाद गाड़ियां भी उड़ी, पर अब तो बेशर्मी की हदें पार हो गई हैं। अरे बेशर्मो ट्रैक्टर तो छोड़ देते। यार मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे सीन बनाने वालों को लोग घेर घेर के चप्पलों से मारेंगे, और तो और इनको हॉलीवुड से लोग आएंगे चपले मारने के लिए। चुम साला ट्रैक्टर उछालता है, ये ले। अब पुरानी मूवीज की बात करें तो ये भाई साहब ऐसे खतरनाक है कि उड़ उड़ के लोगों की आंख में उंगली कर देते हैं, स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। पर इनका दिल इतना साफ है कि लड़ाई लड़ाई में इनको प्यार भी हो जाता है। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती कि इनकी मूवीज में सब समरसॉल्ट क्यों मारते रहते हैं, यहां तक कि बाबा तक समरसॉल्ट मार रहे हैं। और बाबा रामदेव की फर्स्ट कॉपी को तो मैंने उड़ते हुए भी देखा है। और ये भाई तो ऐसा आतंकी है, पहले बाबा जी के पिछवाड़े चलाता है, फिर उनको योगा भी सिखाता है। साढ़े एलोवेरा में डिबो के मारूंगा। और किस्मत भाई की ऐसी है कि मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता। अमर का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर डी फ्रीज में रख दीजिए सर, और फिर किसी ऐसे मरीज को लगा दीजिए जिसको दिमाग की जरूरत हो, जिसको दिमाग की जरूरत हो। अरे यार ये दिमाग उस बंदे को लगाओ जिसने ये सीन बनाया है। ब्रिलियंट आइडिया सर, ब्रिलियंट। और फिर अजीब तरीके से उधेड़ के उसका दिमाग निकालते हैं और उसके दो टुकड़े करके उसको ओवन में डाल देते हैं। अरे दिमाग ये तंदूरी चाप, और फिर वही तंदूरी चाप ये किसी लड़की की खोपड़ी में सेल देते हैं। और बस फिर क्या था आशा? जोरदार काम है। पर अब आप भी एक जोरदार काम कर दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और धार्मिक होके वो घंटा दबा दो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरह की वीडियो डालते रहते हैं, तो हमारा फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके फॉलो जरूर करना।